अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है यू आर ऑल सो गुड। आज फिर मैं मिनी व्लॉग के साथ आ गई हूँ। यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा और लाइक तो ज़रूर करिएगा। तो ये बारबेक्यू पार्टी थी मेरी नंद के घर पे, तो वहाँ पे हम लोग गए थे सब लोग। हैदराबाद से भी मेरे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जेठ की फैमिली है, ये लोग सब आए थे। कुछ लोग नहीं आ सके थे, उनको भी हमने बहुत मिस किया, और जो आ गए थे उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। तो बहुत मज़े की भी ये पार्टी थी। बाहर पूरा अरेंजमेंट किया था, मतलब घर से बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि धुआं वगैरह जो है हम लोगों को सबको डिस्टर्ब ना करे और हम लोग सब इन्जॉय कर सकें। तो बहुत मज़े का ये बना था बारबेक्यू, बुलवाया गया था बनवाने के लिए। उसमें चिकन टिक्के थे और गोला कबाब थे, और भी हलवा पराठे और इस टाइप की और भी चीज़ें थी। तो बहुत मज़ा आया। आप लोगों को पता ही है कि ऐसी पार्टी जब हो और जब उसमें सब लोग साथ हों तो कितना इन्जॉय किया जाता है। माशाल्लाह से ये देखें क्या ज़बरदस्त टिक्के और ये बन रहे हैं। ये सबसे पहले आग को दहका रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त व्यू लग रहा था, तो ये भी मैंने कैप्चर कर लिया। उनके घर पे बैठे हुए थे हम लोग, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा उनका घर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और भी काफ़ी लोग थे, हम लोग सब बातें वगैरह कर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है सबके फेस तो मैं नहीं दिखा सकती थी, इसलिए बस मैं अपने आप को ही दिखा रही थी। यकीनन आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे इसमें और क्या चेंजिंग करनी चाहिए थी, या आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को बताएं क्या पसंद है खाने में, क्या नहीं पसंद है, ये भी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो वैसे बारबेक्यू बहुत अच्छा लगता है, यकीनन सबको ही अच्छा लगता होगा, लेकिन इसका पता है क्या होता है कि बनता है तो इसकी खुशबू से इतना दिल सा भर जाता है कि वो फिर इतना मतलब खाया नहीं जाता, फिर बहुत कम खाया जाता है मुझसे। तो माशाल्लाह देखें अब कितना बड़ा दस्तरखान यहाँ पे लगा है, पूरा यहाँ से वहाँ तक। अल्लाह ताला इनके दस्तरखान में बरकत अता करे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनके घर में दावत हुई थी, बहुत मज़ा आया। सब लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं यहाँ पे। और आप लोग बताएं आपके यहाँ भी ऐसे ही गेट टुगेदर होती है या नहीं होती है, और किस किस के यहाँ होती है, कैसे इंजॉय करते हैं आप लोग, तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। और ये बच्चा इधर से उधर घूम रहा था, ये मेरे नंद का जो बेटा है उनका बेटा है, तो ये बहुत माशाल्लाह से क्यूट है, इंजॉय कर रहे थे। बच्चे भी बहुत मस्तियां कर रहे थे, यहाँ पे जेंट्स वगैरह बैठे हुए बातें कर रहे हैं, और हम लोग भी सब लेडीज़ एक साइड पे बैठे हुए बातें कर रहे थे, और साथ साथ खाने का वेट भी कर रहे थे कि कब बन के आता है खाना गरम गरम, और हम लोग खाते हैं। ले जी, मैंने खाने का नाम लिया और खाना आ गया। यहाँ पे दस्तरखान लग चुका था, पहले ही हम लोग वेट कर रहे थे, और माशाल्लाह बिल्कुल गरम गरम टिक्के गोला कबाब सब बन बन के आ रहे थे। सब ने निकालना शुरू किया, सबके मुँह में पानी आ रहा था। बहुत मज़ा आ रहा है, यकीनन आप लोगों को देख के भी मज़ा आ रहा होगा कि अभी से निकाल के ना जो खा लें हम। अब ये लेडीज़ का शुरू हो चुका था खाना, मतलब घर वाले ही थे तो अलग अलग तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, सब लोग एक ही दस्तरखान पे बैठे हुए थे, जेंट्स और लेडीज़, और ये बच्चे भी बैठे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं सब माशाल्लाह से खाने में। अच्छा, बच्चों को भी ऐसे आइटम पसंद होते हैं, ये देखें कितने क्यूट क्यूट से बच्चे हैं, इन लोगों को भी बहुत पसंद हैं ये आइटम, बहुत शौक से खाते हैं। और बच्चे बड़े मेरे ख्याल में तो सबको ही ये पसंद होता है, कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये पसंद ना हो। ये मैं अपनी प्लेट आपको दिखा रही हूँ, तो मैंने भी ये थोड़े से छोले भी निकाले हैं, और चटनी तो बहुत ही मज़े की थी, चटनी को देख के तो मेरे मुँह में अभी भी पानी आ गया। तो चिकन टिक्का भी बहुत अच्छा बना हुआ था, और
मैं आई थिंक ये गोला कबाब ही होता है इस, ये भी बहुत मज़े का बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।